सूरज का ढलना बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ अलग से कुछ बनाऊं, तो आज मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो आज दो तीन दिन से मैं कोलकाता आई हुई हूँ, मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ हैं। तो हम लोग आज गोड़ियाहाट जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। जाते जाते रास्ते में जो कुछ भी होगा आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँगी। ये है हमारे घर का बेटा, इसका नाम है सागनिक, और ये है मिस शेतलिना चैटर्जी। शेतलिना चैटर्जी, हेलो। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, बेचारी हम लोग के लिए बहुत परेशान है, खाना वाना बना रही है, ये देखिए। ये है सिस्टर इन लॉ की बड़ी बेटी, हाय। ये है हमारे मदर इन लॉ, इनका थोड़ा सा तबीयत खराब है, फोन में थोड़ी सी बिजी है। तो चलिए हम लोग अब जा रहे हैं गोड़िया, तो वहाँ पे जाके आप लोगों से मैं मिलती हूँ। हाँ, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है गोड़िया जाने के लिए, बस पे बैठ चुके हैं हम लोग, बस में जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये एसी कम बस था, तो ये नॉर्मल जो बस होता है वो बस नहीं है, बहुत अच्छी इसकी फैसिलिटी थी। तो हम लोग तीनों मिलके जा रहे थे, मैं, मेरी डॉटर और सिस्टर इन लॉ की डॉटर। ये डीवीसी का ऑफिस है, मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए डीवीसी ऑफिस दिखा रही थी डॉटर इन लॉ। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। तो ऑफिस यहाँ पे ये एक देखिए, ये बहुत ही एक्रोपोल्स का एक मॉल है, मॉल है ये देखिए। हम लोग गोड़िया पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी एक इयर रिंग्स मिल रही थी, बहुत हमने अच्छी तरह से बार्गेनिंग किया, मेरी डॉटर ने बहुत अच्छे से किया, 250 का, 100 में, 100, 150 में, 75 में, 80 में, सब खरीदी उसने, 3 से 4 जोड़ा इयर्स रिंग खरीदा। तो वहाँ पे इयर रिंग बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था, ये न्यू टाइप का इयर रिंग खरीद रही थी, तो हम लोग ने वो भी देखा। तो देखिए ये इयर रिंग अभी भी खरीद रही है, उसको मतलब वहाँ से जाने का मन ही नहीं है, वहाँ से जा रही है, बोल रही थी मैं और खरीदूंगी। मैंने बोला आगे चलो, आगे चले हम लोग और भी कुछ देखेंगे। तो उसके बाद ये वाला इयर रिंग्स उसको पसंद आया, ये वाला खरीदा था, और देख रही है। तो वहाँ पे मॉल में जो मतलब वहाँ पे जो हाट में ये भाई थे, उन्होंने भी न्यू टाइप का एक इयररिंग दिखाई, ये ट्रेडर्स असेंबली है, यहाँ पे ये जल गया था, हम लोग ने यहाँ का भी एक वीडियो किया, ये देखिए ट्रेडर्स असेंबली है, ये यहाँ पे सब नीचे सब देख रहे थे क्या क्या जल रहा है, जल गया है क्या नहीं जला है। तो हम लोग ने थोड़ा सा इसका क्लिपिंग कैप्चर किया, और उसके बाद रास्ता क्रॉस करने के बाद यहाँ पर भी आए हम लोग ने, यहाँ पे बहुत अच्छा सब मॉल था, बगल में दुकान जो बनारसी साड़ी थी, ढाकेश्वरी सब साड़ी थी। ये देखिए बैग, यहाँ से मेरी डॉटर ने बैग खरीदा, तो उसको बैग एक पसंद आया, ये वाला नहीं, ये देख रही थी ये कितने का पूछ रही थी, ये 350 350 का बोल रहे थे, तो हम लोग ने बोला था ये 150 में देने के लिए, तो तैयार नहीं हो रहे थे, तो हम लोग को ठीक पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग ने उसको देखा नहीं, जस्ट पूछा तो बोला था। तो अब दूसरा वाला जो बैग मेरी डॉटर देख रही थी, वो बगल में चप्पल के भी, सैंडल के भी, जूते के भी बहुत सारे दुकान थे, वो ब्राउन कलर का एक बैग था, वो बैग उसने खरीदा, ये वाला बैग देखिए, उसको ये वाला बैग पसंद आया, तो वो बैग उतार के बोल रही थी देखें देखें कैसा है ये। तो
तो उसने ये वाला बैग खरीदा, उसको बहुत पसंद आया ये वाला बैग, सच में बहुत ही अच्छा था। 350 की 400 में बोल रहे थे, तो ये हम लोग ने 250 में खरीदा था बैग। बहुत अच्छा बैग है, छोटा सा बैग है। मैं ये देखिए साड़ी का दुकान, तरह तरह के साड़ी थे, बहुत सारे साड़ी थे। हम मैं साड़ी के दुकान के सामने से खड़ी थी तो बोल रही थी क्या जेन्ना जाओगी आप, मतलब नहीं नहीं बेटा मैं जस्ट देख रही हूँ, अभी कोई शौक नहीं। ये वाली कुर्ती मेरी सेतलीना ने खरीदा, उसको बहुत पसंद आया। ये एम्ब्रॉयडरी का पूरा कुर्ती में काम है, बहुत अच्छा इसका स्लीव्स है। ये मतलब स्लीवलेस नहीं है मगर थोड़ा सा डिजाइन है, बहुत अच्छा लग रहा था, उसको पसंद आया। मैंने बोला अगर पसंद आया था खरीद लो, तो उसने खरीद लिया था। ये बहुत ही अच्छे में मिल गया था, ये शायद 180 में खरीदा था। तो ये देखिए, और भी यहाँ पे मैंने एक हार खरीदा, मेरे को टार्सेल के ऊपर, मतलब एक ये वाला मेरे को बहुत पसंद आया। तो मेरी डॉटर ने कहा मम्मी ये आप ले लो एक, तो मैंने ये वाला ले लिया। ये बोल रहे थे 200 में, तो मैंने बोला 100 में देना है तो दीजिए भाई, तो उन्होंने दिया। यहाँ पे नाइट सूट खरीदने के लिए आए हैं, तो मेरी डॉटर को नाइट सूट खरीदना था, तो उसने नाइटी टाइप एक नाइट सूट, नाइटी ठीक नहीं वो शॉर्ट फ्रॉक था, नाइट ड्रेस था, बहुत सुंदर था, उसको बहुत पसंद आया, मेरे को भी पसंद आया, मेरी छोटी वाली डॉटर को भी उसको बहुत पसंद आया। उसने भी उसके लिए भी मैंने एक खरीदा, उसका थोड़ा शॉर्ट हाइट में शॉर्ट था, और सेतलीना का थोड़ा सा जस्ट एक थोड़ा सा बड़ा था। ये स्लीवलेस था, गर्मी का सीजन आ रहा है, तो मैंने बोला कि ओके बेटा खरीद लो, तो उसने खरीद लिया। ये सिस्टर इन लॉ की बेटी है, तो हम लोग ने अब 3:30 लगभग बज गया था, तो उन लोग को बेटियों को थोड़ा खिलाना भी था, तो मैंने बोला चलो आसपास में कुछ हो तो सेतलीना ने बहुत अच्छा है एक रेस्टोरेंट खोजा, तो उसमें हम लोग गए थे, बहुत सुंदर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन था एकदम। हम लोग मतलब अधिकतर सब गर्ल्स थे, वुमेन थे, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा सजाया है, एकदम गोरिया के बीच में ही, मार्केट के बीच में ही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना मतलब वहाँ पे मिलता है। अभी भी हम लोग ने हमारा खाना भी हमने ऑर्डर किया था, नहीं आया था, तो हम लोग थोड़ा सा जस्ट थोड़ी बहुत क्लिपिंग क्लिक कर रहे थे। ये सिस्टर इन लॉ की बेटी मेरी सेतलीना, और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हेलो हाय कर रही है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर थोड़ी सी शाय है, वो थोड़ी सी चुपचाप रहती है। तो देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बहुत दिनों के बाद निकली हूँ, मेरे को तो और भी अच्छा लग रहा था। ये ऊपर का लाइटिंग का देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग हम लोग ने लाइटिंग देखा था, तो देखिए तो ये लाइटिंग कितना सुंदर लग रहा है, मैंने कहा। तो अब हम लोग का मोमा, हाँ अब हम लोग का डिनर, सॉरी हम लोग का लंच आ चुका है। मैंने चाउमीन, एक चाउमीन मिक्स चाउमीन खरीद बोला था मेरी सिस्टर इन लॉ डॉटर के लिए, हम लोग दोनों के लिए, और वो मेरी सेतलीना ने डॉटर ने उसने खाया था मोमो, उसको वेज मोमो पसंद है, वो चिकन नहीं खाती है, तो इसीलिए उस वेज मोमो उसने खाया, बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, हम लोग ने खाया सब कुछ। और हम लोग का चिली चिकन था और वेज मोमो था, सॉरी वेज चाउमीन था, एक चाउमीन था, सॉरी एक वेज नहीं एक चाउमीन था, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग ने खाया, बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी अगर जाइएगा तो, सॉरी मैंने रेस्टोरेंट का नाम नहीं देखा था, तो इसलिए मैं ठीक से नाम नहीं बता पा रही हूँ, एकदम गोरिया के अंदर ही है, तो हार्ट के अंदर, बहुत अच्छा क्लीन साफ सुथरा है, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं खा रही थी, मेरा ये खाना वो कैप्चर कर रही थी सेतलीना कि मैं आप खा रही हूँ, मैं थोड़ा सा ले लूँ, तो मैंने बोला ओके बेटा ले लो, तो वही मैं खा, मेरा प्लेट दिखा रही है, मैं खा रही थी, तो थोड़ा बात भी कर रहे थे हम लोग। तो ये देखिए अब आज खा चुके हैं हम लोग ने, ये देखिए मैं खा रही, मैंने मना कर रही थी मेरे को मत दिखाओ, दिखाई जा रही है मेरे को,
उसका मोमो, मोमो भी बहुत टेस्टी था। हम लोग ने मोमो थोड़ा सा चेक किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स था तो सॉफ्ट ड्रिंक्स अच्छा लग रहा है। ये सब खाने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, सॉरी पिया जाए। हम लोग बंगाली लोग सब कुछ खाते ही हैं, पीते नहीं हैं, पानी को भी खाते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब लगभग हम लोग का खाना कंप्लीट हो चुका है। हम लोग रविंद्र सरोवर लेक के तरफ जाने के लिए तैयार हैं, रास्ते में आ चुके हैं। रामकृष्ण मिशन है ये, रामकृष्ण मिशन को क्रॉस करने के बाद जाना पड़ता है सरोवर, रविंद्र सरोवर। तो ये देखिए हम लोग अभी चल रहे थे तो बहुत पैरों में दर्द हो रहा था, तो कह रहे थे देखिए आप लिए, देखिए एंट्रेंस है ये रामकृष्ण मिशन का। उस टाइम शाम का वक्त था, ये बंद था। तो ये बहुत ही एक मतलब अच्छा एक कॉलेज पे है। तो देखिए ये सेतलीना मेरे को छोड़ नहीं रही है कि मैं माँ के साथ जाऊँगी। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मैं थोड़ी सी दर्द के मारे थोड़ी सी लंगड़ा भी रही थी, चल भी रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रहा था, हम लोग खूब मजाक भी कर रहे थे। मैंने कहा कि चलो, नहीं बोलते नहीं माँ, थोड़ी सी और थोड़ी सी, ये कर करके मेरे को आगे ले जा रही थी। तो ये देखिए बोल रही है, हम लोग कह रहे थे कि आप लोग के लिए आए हैं, मैं कह रही थी। तो मेरी बेट डॉटर ने कहा नहीं, आप लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी है, हम लोग भी आए हैं, सिर्फ उनके उनके ऊपर दोष मत दो। तो ये तो बात सच था, हम लोग अपने लिए भी थोड़ा घूम रहे थे, आप लोग को भी थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हाँ घुमा रहे थे आप लोग को भी। तो खूब हंस रहे थे, खूब मजा कर रहे थे। तो हम लोग की मजाक तो चलती रहती है, हम लोग माँ बेटी नहीं एकदम दोस्त की तरह जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। डॉटर इन लोग की मतलब वो सिस्टर इन लोग की जो डॉटर है वो थोड़ी सी आगे जा चुकी थी। तो सॉरी मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत सर्दी है, इसीलिए थोड़ी सी मेरी सॉरी। तो हम लोग आगे जा चुके थे, आगे अंदर एंट्रेंस हो चुके हैं सरोवर, रविंद्र सरोवर लेक में। तो देखिए बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा बहुत पैर में दर्द हो रहा था, इसीलिए इस तरह से जा रहे थे। वीडियो थोड़ा सा घूम मतलब डिस्टर्ब आ रहा था, तो फिर भी मैं क्लिपिंग लेने के लिए मैं एकदम तैयार थी। मैंने कहा जब आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके ले ही लूँ। तो देखिए लगभग आ चुके हैं हम लोग लेक के पास। तो लेक के पास आने के बाद देखिए बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। तो मैंने तो उस टाइम सनसेट का भी टाइम हो चुका था, तो सनसेट भी हो रहा था। तो हम लोग ने एक जगह खोज रहे थे कि जहाँ पे जाके एक, ये देखिए सनसेट हो चुका है, पेड़ों के बीच से जो सनसेट हो रहा था इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। मेरे को बहुत अच्छा एक व्यू लग रहा था, नीचे से देखिए इतना पानी इतना अच्छा सा जा रहा है ना, देखिए ना बहुत अच्छा लग रहा है ना ये व्यू। तब ये सेतलीना और ये डॉटर आ चुकी है। हम लोग थोड़ा सा जगह खोज रहे थे कि जहाँ कहीं पे जाके थोड़ा सा बैठा जाए, तो वही बेचारी लोग भी थोड़ी सी चल चल के, उन लोग को भी पैर में दर्द हो रहा था। तो एक जगह में जाके हम लोग थोड़ी सी बैठे वहाँ पे, थोड़ा सा मतलब क्लिपिंग लिया। ये देखिए बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा है। तो देखिए ये लगभग हम लोग आ चुके हैं। तो ये सूरज का, मैं कह रही हूँ सूरज का ढलना, अब देखिए ये सूरज बहुत ही का अच्छा लग एक व्यू है। ढलना तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप आपको मेरा ये आई फैंटास्टिक, होप आपको बहुत ही मेरा ये अच्छा एक छोटा व्यू सा हो रहा है। ब्लॉग पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा घुमा के लाई हूँ, आप लोगों को मैंने कोशिश किया आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। तो फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं सुमा चटर्जी, टाटा बाय।